हेलो एंड वेलकम टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड आई प्रज्ञा पांडे वेलकम यू ऑल टू आर वेरी स्पेशल सीरीज ऑन डेली न्यूज़ रिव्यू बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दिल्ली में यूज किया जाने वाले हैं सप्रेसेंट्स को ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट दी ओलंपिक सिटीज किस तरीके से सिटीज़ का सिलेक्शन किया जाता है एंड वॉट इंडिया इज एस्पायरिंग हेयर नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द सिम कार्ड एंड उू दे वर्क साथ ही सो डिसेबल्स पीपल कैन ऑल्सो एक्सिस्ट एंड लास्टली वील बी कवरिंग अबाउट द फेस मैचिंग सिस्टम एट पुलिस स्टेशन अक्रॉस इंडिया सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट सी वॉट इज इन द न्यूज देखिए डेली जैसे हमें पता है ये समय शुरू हो चुका है जब पराली को यहाँ पर जलाया जाने लगेगा और आपको दूसरी चीज़ भी पता होगी इस समय दिल्ली का टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लगता है विंड्स का मूवमेंट कम हो जाता है और एक तरीके से डेंस एयर हमें देखने मिलती है रिजल्ट इन टू दिल्ली का जो एयर क्वालिटी होता है वो आने वाले समय में स्पेशली ड्यूरिंग नवंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर थोड़ा सा ज़्यादा पॉल्यूटेंट हो जाता है ऐसे में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि वो दिल्ली में इस पॉल्यूशन से निपटने के लिए कुछ सप्रेसेंट्स का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इन सप्रेसेंट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मुख्य तौर पर कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा सो so दैट इनके अंदर ये खासियत होती है कि ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर को और जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो जो फॉगिशनेस आपको दिखाई दे रही है ये अपने आप चले जाएंगे हालांकि दिल्ली में ये जो सप्रेसेंट्स पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है दिस इज नॉट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इसके पहले भी नेशनल कैपिटल रीजन में अगर हम बात करें तो इन सप्रेसेंट्स जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स का पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन टू थाउजेंड एंड नाइनटीन चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड हेग्जीहाइड्रेट फ्लेक्स के बारे में जो कि एक केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर हमें मैग्नीशियम क्लोराइड और Uh, हमें छः वाटर के मॉलिक्यूल्स H2O देखने के लिए मिल जाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो अपने आप में ये एक नेचुरली अकर्ड मिनरल है जो कि यूजुअली हमें ब्राइंस या सी वाटर्स के थ्रू मिल जाते हैं यूजुअली जो इसका यूज होता है ये डी आइसिंग रॉड्स बनाने के लिए होता है डस्ट सप्रेसेंट्स के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है सो so दैट होता क्या है ये जो प्रोडक्शन है मैग्नीशियम मेटल का या सर्टन मेडिकल एप्लीकेशन उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल हमें देखने के लिए ता है यूजली वॉट हैपन जब इनको मिक्स किया जाता है विद वाटर एंड अप्लाइड टू डस्टी सरफेस दे कैन हेल्प कंट्रोल द डस्ट एंड पर्टिकुलट मैटर इमेजन बाय ऑब्जर्विंग दैट पर्टिकुलर मॉइस्चर एंड बाइंडिंग फाइन पार्टिकल्स टूगेदर जिसकी वजह से जो एयरबॉन डिसीजेज हैं जो डस्ट हैं जो पार्टिकल्स हैं जो आपको पूरे एरियाज में देखने के मिल रहे हैं वो कम हो जाते हैं सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द मैगनीशियम क्लोराइड हेक्सा हाइड्रेट फ्लेक्स जिनके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है मैगनीशियम क्लोराइड एंड सिक्स वाटर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मीन्स एच टू चलिए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1974 में यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 पहली चीज आप याद रखेंगे एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है दूसरा आपको याद रखना होगा कब इसका फॉर्मेशन हुआ है हालांकि आगे अगर हम बात करें तो इसको पावर दिए गए थे कि ये एयर दैट मीन्स प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन के लिए भी यहाँ पर काम करे विद द एक्ट ऑफ 1981 सो so हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि सी एक फील्ड फॉर्मेशन और एक टेक्निकल सर्विस दोनों के रूप में यहाँ पर काम करता है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 काम क्या है देखिए जो क्लीनलीनेस है स्ट्रीम्स का उसको प्रमोट करना जो हमारे कुएं हैं उनकी सफाई पर ध्यान देना साथ ही जितनी भी एयर और वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं या पॉल्यूशंस हैं इसको कंट्रोल करना थ्रू आउट द कंट्री इज द मेन वर्क ऑफ सी पी सी बी सो एयर क्वालिटी को एयर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए क्लीन करने के लिए और पॉल्यूशन से लड़ने के लिए जितने भी प्रयास किए जाते हैं वो सी पी सी बी के द्वारा ही किए जाते हैं आगे अगर हम बात करें तो सी पी सी बी मॉनिटरिंग

क्यों जिक्र कर रहे हैं देखिए हम इसका क्योंकि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर डिक्लेयर किया है उन्होंने ये एस्पिरेशन रखा है कि इंडिया इंटेंशन बता रहा है अपनी एक पॉजिटिव इंटेंशन यहाँ पर बता रहा है कि वो 2036 के जो आने वाले ओलंपिक्स होते हैं उनको होस्ट करना चाहता है अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो एशिया में अभी तक केवल तीन कंट्रीज हैं जिन्होंने ओलंपिक्स को होस्ट किया है जिसमें सबसे पहले हमें चाइना देखने मिल जाता है उसके बाद आपको साउथ कोरिया और जापान जिसमें से जापान एक ऐसी कंट्री निकल के आता है जिसने ओलंपिक्स को दो बार होस्ट किया है नाइनटीन और ट्वेंटी ट्वेंटी में इंडिया ने जब यहाँ पर एस्पिरेशन रखा है तो हमें ये भी जानना होगा कि किस तरीके से कंट्रीज़ को सेलेक्ट किया जाता है हालांकि आप याद रखेंगे इंडिया ने केवल और केवल यहाँ पर कॉमनवेल्थ को कंडक्ट कराया था 2010 में और उसके बाद ऐसा सच कोई बहुत हाई इवेंट हमें देखने के लिए नहीं मिला देखिए अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो जो ओल्डर सिस्टम होता था यहाँ पर उसके लिए एक रिस्पेक्टिव नेशंस को यहाँ पर ओलंपिक कमेटी के तहत अपना एक लेटर सबमिट करना होता था एक स्क्रूटनी होती थी एंड सो ऑन बिडर्स होते थे एक राइट्स की बात की जाती थी और बहुत डिबेट के बाद आप देखेंगे इसके बाद इसको डिसाइड किया जाता था लेकिन इसी के अंदर बहुत सारे करप्शन देखने मिले स्कैंडल देखने मिले और उसी का परिणाम था कि 2013 में यहाँ पर ओलंपिक एजेंडा 2020 के साथ एक फ्यूचर मैप तैयार कर दिया गया जिसके तहत किसी भी सिटी को आप देखेंगे तीन मुख्य चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चूज़ किया जाएगा फ्लैक्सिबिलिटी कैसी है सस्टेनेबिलिटी एंड कॉस्ट अफेक्टिवनेस क्योंकि यहाँ पर ओलंपिक कमेटी एक बहुत बड़े मोटो पर चलती है दैट गेम्स अडाप्ट टू द रीजन द रीजन डज नॉट अडेप्टू द गेम और इसी को ध्यान में रखते हुए आईओ सी ने एक सेवन ईयर रूल्स को यहाँ पर डिसाइड कर लिया विच मीन्स दो हजार तीस में ही आने वाले दो हजार छत्तीस का डिसीजन ले लिया जाएगा सो so, हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि आई ओ सी ने पहले ही क्लियर कर दिया था दैट दी थर्टी सिक्स एडिशन कुड बी डिसाइडेड इवन एज लेट एज आफ्टर ट्वेंटी थर्टी राइट सो पेरिस और लॉस लॉस एंजलिस यहाँ पर तैयार है जैसे कि उनको पता है 2024 और 2028 के गेम्स को यहाँ पर कंडक्ट कराने के लिए तो ये तो रहा एक पॉइंट कि किस तरीके से यहाँ किसी भी कंट्री को सिलेक्ट किया जाएगा नाउ द क्वेश्चंस कम कि ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस और सस्टेनेबिलिटी का क्या रोल है देखिए एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से होगा किसी भी तरीके से पब्लिक बैकलैश ना हो होस्ट को यहाँ पर एनकरेज किया जाए कि भाई वो टेम्प्रेरी जितना पॉसिबल हो सके टेम्परेरी वेन्यूज के साइड जाए एज एनी न्यू वेन्यू बिल्ट मस्ट बी इन लाइन विद द एग्जिस्टिंग डेवलपमेंटल प्लान दैट मीन्स कोई भी कंट्री अपने पूरे रिसोर्सेज को केवल और केवल एक पर्टिकुलर गेम को होस्ट करवाने के लिए ना ख़त्म कर दे ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखी जाती है सो so दैट एक जस्टिफिकेशन आपको देखने के लिए मिले सारे एडिशंस के हिसाब से एक बिल्डिंग को यहाँ पर तैयार किया जाएगा चाहे हम विंटर ओलंपिक्स की बात करें यूथ ओलंपिक्स की बात करें या समर ओलंपिक्स की बात करें क्लाइमेट को देखते हुए यहाँ पर काम किया जाएगा सो so दैट जितने भी बिडर्स होते हैं एटलीस्ट 80 परसेंट उसमें इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि आपकी एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ओके okay. नाउ द क्वेश्चंस कम कि इंडिया के अलावा क्या दूसरे भी कोई बिडर्स हैं जो बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं जी हाँ आप मैक्सिको देख सकते हैं ठीक है अदर देन मैक्सिको आप देखेंगे मैक्सिको ने एक बार नाइनटीन सिक्सटी एट में इसको कंडक्ट करा लिया है अदर देन दो पोटेंशियल बिडर्स आपके सामने आ सकते हैं वो इजिप्ट है सियोल है चाइना इज इन लाइन कतर हंगरी इटली सो so, इंडिया के पास अभी बहुत लंबी लाइन है विद होम इंडिया हैज़ टू फाइट विथ चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में और हमें समझनी होगी सिम कार्ड्स की एनाटॉमी देखिए एक टाइम निकलता जा रहा है और हम एक सिम से मिनी सिम मिनी सिम से माइक्रो सिम और माइक्रो सिम से हम नैनो सिम्स की तरफ आ चुके हैं सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वॉट इज ऑल दिस अबाउट क्या होते हैं ये क्या आपका जी एस एम सिस्टम इस तरीके से काम करता है लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग इन दी डिटेल चलिए हम अगर बात करें कि भाई एक बेसिकली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिम कार्ड्स क्या होते हैं तो देखिए सिम कार्ड एस आई एम की जब हम बात करते हैं तो ये स्टैंड करता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल के ऊपर जो कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट है इसे हम माइक्रोचिप बोल सकते हैं जो किसी भी यूज़र को किसी भी सब्सक्राइबर को एक पर्टिकुलर सेल्युलर नेटवर्क को सब्सक्राइब करने के तौर पर एक आइडेंटिफायर के रूप में काम करता है एनोलॉजी की बात करें सो so, यहाँ पर एक सब्सक्राइबर आईडी होती है किस सिटी से आप हैं कौन सा नेटवर्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे हम इंटरनेशनल मोबाइल्स की बात करें सो so, उसको आई एम एस आई नंबर से डिनोट किया जाता है सो दैट योर लोकेशन एंड ईच एंड एवरी सिंगल डेटा विल बी स्टोर्ड हेयर फंक्शनैलिटी की बात करें तो हमें कुछ शब्दों को यहाँ पर समझना होगा कि भाई सबसे पहले ये किसी भी यूज़र को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं एक स्पेसिफिक नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं नेक्स्ट एक सिक्योर कनेक्शन यहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं और एक यूनिक ऑथेंटिकेशन की होती है फॉर एग्जाम्पल दूसरा कोई भी जो आपका फ़ोन है उसको नेटवर्क से कनेक्ट करना और उसको जीएसएम स्टैंडर्ड्स के आधार पर लेकर चलना इनका एक काम होता है अलॉन्ग विद आपको नेटवर्क के थ्रू सिग्नल्स के थ्रू आपके सिम कार्ड को आपके फोन को एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड करना एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी सिम कार्ड के फंक्शंस का काम आपको देखने के लिए मिलेगा राइट right? चलिए आगे अगर हम बात करें तो डेटा स्टोर्ड ऑन दी सिम कार्ड्स की बात करेंगे तो एक आई नंबर हमें देखने मिलता है जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड आइडेंटिफाइडर दैट मीन्स कार्ड की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होती है आपको एक नंबर देखने मिलेगा दूसरा आई एम एस आई नंबर होता है जो कि इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी नंबर होता है अलॉन्ग विद डैट लोकेशन एरिया आइडेंटिटी होती है कोई भी जो सब्सक्राइबर है पर्टिकुलर सिम का वो पर्टिकुलर नेटवर्क का वो किस करेंट लोकेशन पर है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्रिफर्ड नेटवर्क की लिस्ट आपके पास होती है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपकी सिम में इनबिल्ड होते हैं और अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स और एस एम एस की परमिशन भी आपको सिम्स के थ्रू ही देखने के लिए मिलती है वी ऑल नो ऑल दीज थिंग्स लेकिन क्योंकि एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है इसीलिए वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरी थिंग इन डिटेल हेयर चलिए अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन पीरियड की हमें एक लार्ज सिम कार्ड से लेकर हम मिनी माइक्रो और आज की डेट में हम नैनो सिम कार्ड के बारे में बात करते हैं इस एवोल्यूशन प्रोसेस को समझते हैं तो लेट नाइनटीन में हमें जाना पड़ेगा जहाँ पर हिस्ट्री शुरुआत हुई थी स्मार्ट कार्ड्स की जिनके अंदर हमें सिम कार्ड्स देखने के लिए मिले लेट नाइनटीन में जब एक इंजीनियर हैलमट ड्रॉट ने सबसे पहली बार एक आइडिया यहाँ पर कंसेप्ट किया कि हमें इंटीग्रेटेड माइक्रोचिप का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको जो कि क्रेडिट कार्ड की प्लास्टिक साइज का एक पैनल होगा फोन के अंदर इसके साइज और आर्किटेक्चर को यहां पर डिफाइन किया गया काफी समय लगा लेकिन एक बड़े आइडेंटिटी एक कार्ड के जैसी बड़ी हमें चिप यहां पर देखने के लिए मिल गई ग्रेजुअली जैसे ही हमने शिफ्ट लेना शुरू करा 3G जी के थ्रू हमें यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकॉम सिस्टम की तरफ हम आए हमें सिम कार्ड्स को ना केवल इस तरीके से रखना था कि वो एक फ़ोन में आ सके बल्कि इसको इतना यूज़र फ्रेंडली रखना था कि ये कम से कम छोटे से छोटा हो और इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान में या किसी भी साइज़ के फ़ोन में फिट किया जा सके ओके okay, सो so जैसे जैसे हमारा सॉफ्टवेयर अपलोड होना स्टार्ट हुआ सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हुए उसी के साथ आप देखेंगे 3G, 4G और 5G नेटवर्क का जहाँ पर यूज़ होने लगा हमारी सिम्स के जो स्टैंडर्ड हैं जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर बढ़ते गए और इसी के साथ एक लेटेस्ट इवोल्यूशन हमें देखने मिला विच इज़ दी ई सिम ओके जो लेटेस्ट एवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी का यहाँ पर जीएसएम एसोसिएशन ने कुछ ओ, चीज़ें पहले से ही बता दी कि भाई आपकी ई e सिम कैसी होगी इसके अंदर सॉफ्टवेयर लोड किया जाएगा जो कि परमानेंटली इंस्टॉल होगा यू आई सी 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 नंबर जो होगा आपके मोबाइल इक्विपमेंट में ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और इसकी वजह से ये आपकी नॉन रिमूवल सिम बन जाएगी बेनिफिट क्या है देखिए एनवायरमेंट फ्रेंडली है किसी भी प्लास्टिक कार्ड का यहाँ पर यूज़ नहीं होगा रीप्रोग्रामेबल -e है एलिमिनेट किया जा सकता है आसानी से रादर देन दी नीड ऑफ फिजिकल सिम ड्रॉबैक्स की बात करें तो देखिए यूजर्स को डिफिकल्टी है कुछ कंट्रीज इंक्लूडिंग द यू एस यहाँ पर जो सब्सक्राइबर हैं दे कैन प्रोग्राम ई सिम दैम सेल्फ विच माइट बी चैलेंजिंग फॉर इंडिविजुअल विद लो डिजिटल लिटरेसी अलॉन्ग विद डैट डेटा प्राइवेसी कंसर्न यहाँ पर हमें देखने मिलते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर ऐप है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जो आपके मोबाइल में लगातार इंस्टॉल रहेगा ऐसे में प्राइवेसी को लेकर भी कुछ क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल सकते हैं चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में सेंटर टू इंट्रोड्यूस डीएनए फेस मैचिंग सिस्टम एट पुलिस स्टेशन अक्रॉस कंट्री बहुत ही अच्छा आर्टिकल है लेट्स अंडरस्टैंड इट देखिए हमें बात करनी होगी मोर देन ईयर आफ्टर द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट जिसको पास किया गया था हमारी पार्लियामेंट के द्वारा सेंटर ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि डीएनए और फेस मैचिंग सिस्टम को लगभग 1300 से भी ज़्यादा पुलिस स्टेशन में यहाँ पर लगा दिया जाएगा प्रीवियसली अगर हम बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास नहीं था लेकिन इस एक्ट के आते ही एक लॉ हमारे पास आ गया है जिसकी वजह से पुलिस और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ का जितना भी डेटा होगा उसको एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पर स्टोर किया जाएगा इसके अंदर बायोलॉजिकल स्टांस, फिजिकल स्टांस अलॉन्ग विद दैट रेटिना स्कैन भी अरेस्टेड पर्सन का यहाँ पर लिया जाएगा कारण क्यों हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं सो so दैट एक यूनिवर्सल रिकॉर्ड हमारे पास हो सके ओके okay, ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इसने एक्चुअली रिप्लेस किया था सौ साल पुराने आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजन एक्ट 1920 को जो कि काफ़ी लिमिटेड था जिसमें फिंगरप्रिंट इंप्रेशन देने हैं फूट प्रिंट्स देने हैं अलोंग विथ फोटोग्राफ यहाँ पर ली जाएगी ठीक है स्पेसिफिक कैटेगरी नॉन कन्विक्टिव पर्सन कन्विक्टिव पर्सन लेकिन इसी के साथ लूप होल्स निकलने लगे और लूप होल्स में जैसे ही फ्रॉड्स होने लगे गवर्नमेंट को ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई फाइनली हमें किस चीज़ की आवश्यकता है डिजिटल होने की आवश्यकता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमने अडॉप्ट किया था क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को 2022 के बाद अगर हम बात करें तो सभी का एक डिजिटल डेटा इंक्लूडिंग देयर रेटेना बायोलॉजिकल सैंपल फिजिकल सैंपल्स सभी को यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा सो so दैट कभी भी कोई इंसिडेंट होता है सो जस्ट विद वन क्लिक वील बी हैविंग एवरी सिंगल डेटा कि भाई प्रीवियसली आपने क्या काम किया है क्या आप सीरियस ऑफेंडर हैं क्या आप रेगुलर ऑफेंडर हैं और किस तरीके की एक्ट में आप पहले शामिल हो चुके हैं चलिए बात कर लेते हैं सी एक्ट के बारे में इसको 2022 में आइडेंटिफाई किया गया था पास कर दिया गया था हमारी पार्लियामेंट के द्वारा और मुख्य काम था जितनी भी हमारी पुलिस सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन जिन बॉडीज़ हैं ये सारे के सारे फिजिकल बायोलॉजिकल इंक्लूडिंग दी ए रेटेना Uh, के जितने भी सैम्पल्स रहेंगे जो भी डेटा रहेगा किसी भी अरेस्टेड पर्सन का उसको यहाँ पर कलेक्ट करेंगे इम्पोर्टेंस क्या यहाँ पर बात की जा रही है आर्टिकल सेक्श सॉरी सेक्शन 53 और सेक्शन 53 ए की कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जहाँ पर अलग अलग डेटा को चाहे फिंगर प्रिंट्स हो फार्म प्रिंट्स हो फूट प्रिंट्स हो फोटोग्राफ हो हैंड राइटिंग सिग्नेचर इन सभी को यहाँ पर कलेक्ट किया जाए फॉर कन्विक्ट एंड दोज एक्यूज ऑफ दी क्राइम सो दैट जो भी फ्यूचर चीज़ें हैं उनको यहाँ पर ख़त्म किया जा सके अब देखिए चूंकि यहाँ पर हर व्यक्ति का पूरा डेटा आने वाला है सबसे पहला सवाल उठ रहा है प्राइवेसी के बारे में जो लेजिस्लेटिव यहाँ पर है इसके अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है राइट टू प्राइवेसी को लेके चूंकि ये जो राइट टू प्राइवेसी है ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल जो कि कन्विक्ट है क्राइम का या जो ऑर्डिनरी सिटीजन है उनके अधिकारों का यहाँ पर हनन करते हैं क्यों क्योंकि ये अलाउ कर रहे हैं कि सैंपल को कलेक्ट किया जाए इवन फ्रॉम प्रोटेस्टर जो कि किसी भी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में भी इन्वॉल्व हैं राइट सो so इसी के कारण हमें समझना होगा कि डीएनए को कलेक्ट करना ब्लड हेयर सैम्पल्स को कलेक्ट करना कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक राइट टू प्राइवेसी का सबसे बड़ा उल्लंघन करते हुए हमें नजर आएगा चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ़ द डे हम बात करेंगे एफ के द्वारा डिसाइड किया गया है कि अब सारी पैकेज के ऊपर आपको एक क्यू कोड देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस तरीके से सो so दैट जितनी भी हमारे विजुअली इम्पेयर्ड साथी हैं उनको इन प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी मिल सके देखिए एफ ने डिसाइड किया है कॉम्प्रिहेंसिव लेवलिंग रेगुलेशन जिसके तहत एक डिस् यहाँ पर लगाया जाएगा एक क्यू कोड लगाया जाएगा सारे फूड प्रोडक्ट के ऊपर और उसे एक्सेस करते ही यहाँ पर उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है क्या उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं क्या लेबल हैं सारी चीज़ें है यहाँ पर एक पूरे के पूरे वॉइस ओवर फॉर्म में किसी भी व्यक्ति को दिखाई दे जाएंगी ये जो चेंजेस हैं ये लिए गए हैं ड्यू टू द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट टू जो कि प्रत्येक इंडिविजुअल या डिसेबल जो भी हमारे साथी हैं उनको अलाउ कर रहा है उनके लिए राइट्स की बात कर रहा है कि भाई हमें उनकी हेल्थ को प्रमोट करना है और जब आप हेल्थ को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं तो ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है लेबलिंग कि भाई उस प्रोडक्ट का नेम क्या है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको एक क्यू कोड के तहत सभी व्यक्तियों तक पहुँचाना चलिए तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन के बारे में हे आर टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू एक बात कर रहे हैं हम पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में और दूसरा वी आर टॉकिंग अबाउट दी क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट ट्वेंटी सो वॉट ऑल यू हैव टू डू just write, the, write down the answer click the photograph and upload it on our website so thank you for watching this video do not forget to hit like button comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates thank you and see you tomorrow